नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे विजुअल टेक्निकल चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए प्रिंट पैक एग्जीबिशन का जो 15 एडिशन है उसकी वीडियो लेके आए हैं। ये एक्सपो 16 मई से लेके 30 मई तक नोएडा के एक्सपो मार्ट में हुआ था। बेसिकली प्रिंट पैक एक्सपो में पैकेजिंग रिलेटेड से जितनी कंपनीज होती हैं वो अपनी मशीन्स को डिस्प्ले करती हैं, साथ में जो ऑफसेट प्रिंटिंग से रिलेटेड जितनी कंपनीज हैं वो भी अपनी मशीन डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको पैकेजिंग से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं या फिर उनकी मैन्युफैक्चरिंग की मशीनें हैं वो सारी की सारी देखने को मिलती हैं। इस बार के एडिशन में काफ़ी अच्छा क्राउड था जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि कोविड के बाद जो है ये हो रहा है, तो फिर जो है बहुत अच्छा इस बार क्राउड आया हुआ था। हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी लोग विजिट नहीं कर पाए एक्सपो को किसी भी रीज़न से, तो उन तक वीडियो के थ्रू हम सारी मशीनरी दिखा पाए उनको, मतलब उनको भी जो है घर बैठे सारी मशीन्स की नॉलेज मिल पाए। तो हम कोशिश करेंगे मोस्टली मशीन कवर करने की जो इम्पोर्टेंट है। आइए इस मशीन को देखते हैं। ये जो मशीन है ये कैरी बैग बनाने वाली मशीन है, पेपर्स के जो कैरी बैग होते हैं ना, इस मशीन से आप डिफरेंट साइज़ के कैरी बैग्स बना सकते हैं और कस्टमाइज प्रिंटेड भी बना सकते हैं। इस मशीन में बेसिकली एक पेपर का रोल लगता है पीछे और वही आगे आके जो भी आपका साइज़ सेट है उसमें हो जाता है। हम आपको दिखाते भी हैं किस टाइप का बनाता है। ये देखिए, ये आपने मोस्टली मॉल्स वगैरह में या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में देखा होगा, अलग अलग ब्रांड्स के होते हैं ये, तो इस टाइप के। ये सबसे बड़ा साइज़ है, इससे छोटे जो होते हैं वो भी आप इससे इस मशीन से बना सकते हैं। ये दूसरी मशीन है, ये बेसिकली प्लेट बनाती है छोटे बड़े किसी भी साइज़ के, अलग अलग मशीन से इसमें डाई लगती है। देखिए जो फ़िलहाल जो ये जो पेपर के जो प्लेट्स आते हैं वो बनाती है मशीन, कटिंग करती है बेसिकली शीट में से। तो इसी टाइप के मशीन्स आपको इस एग्जीबिशन में देखने को मिलेगी। मोस्टली ऑफसेट मशीन्स होती हैं, डिजिटल नहीं होती हैं, डिजिटल प्रिंटिंग की बहुत कम होती है और बेसिकली प्रिंटिंग की तो कमी देखने को मिली। मोस्टली इसी टाइप की पैकेजिंग से रिलेटेड, फूड आइटम से रिलेटेड जो भी मशीन्स थी वो देखने को मिली थी। और आगे हम आपको दिखाते हैं मशीन्स। ये जो मशीन है बेसिकली जो बॉक्सेस होते हैं मिठाई वगैरह के फिर किसी भी टाइप के बॉक्सेस उसको बनाती है। ये देखिए, ये एक एक बॉक्स में इंसर्ट करना पड़ता है। उस पर बेसिकली ये क्या कर रही है कि बॉक्सेस तो बने हुए हैं, इस पर लेबल लगा रही है जो ब्रांडिंग होती है कंपनी की। ये देखिए बॉक्स बने हुए हैं और ये जो ब्रांडिंग का जो पेपर है उसको पेस्ट कर रही है मशीन। बेसिकली जो भी रनिंग मशीन थी हमारी कोशिश थी हम उनको दिखा पाएं। मशीन्स तो बहुत थी लेकिन रनिंग में बहुत कम थी। ये जो मशीन है, ये जो छोटे एक तरीके से पॉकेट्स होते हैं, लिफाफे होते हैं कुछ भी स्मॉल आइटम के लिए, वो बना। देखिए इसकी प्रोडक्शन स्पीड बहुत तेज़ बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, ये हम आपको दिखाएंगे खोल के। ये छोटे पॉकेट्स आपने देखे हैं मोस्टली डॉक्टर्स वगैरह दवाई के लिए इसको यूज़ करते हैं, उस टाइप का है। इसमें डिफरेंट साइजेस भी है, इससे बड़ा भी आप बना सकते हैं इसमें। वैसे तो मशीन्स बहुत थी क्योंकि चार हॉल में ये एग्जीबिशन था, बहुत सारी कंपनीज ने पार्टिसिपेट कर रखा था, बट रनिंग मशीन जो है काफ़ी कम थी जिन लोगों ने चालू कर रखा था, ऐसे बहुत कम मशीन्स थी। तो हमने बस उन्हीं मशीन्स को कवर किया है जो रनिंग में थी, क्योंकि बाकी मशीन का फीचर्स या फिर उनका क्या वर्किंग है समझ में नहीं आ रहा था, वो चल नहीं रही थी। तो ये भी एक जो बॉक्स है मिठाई बॉक्स वगैरह बोल सकते हैं, जो अभी हमने प्रीवियस वीडियो दिखाया था वैसे किसी और कंपनी ने भी लगा रखा था, वो है इस वीडियो में। ये जो मशीन है, जो कैरी बैग होते हैं इसके, जो आप कह सकते हैं एक तरीके से जो कैरी बैग को जो कैरी करने वाला जो हैंडल होता है, हाँ ये इसको इसमें बेसिकली आप कह सकते हैं कि स्टेपल कर रही थी या फिर उसको फिक्स कर रही थी उसके साथ। लेकिन इसकी एक खास बात है, देखिए इस पे कंपनी का लोगो या जो भी ब्रांडिंग है वो भी कर देगी। ये देखिए, तो ये थोड़ा कुछ यूनिक लगा, जो आपको अगर कैरी बैग जो आप प्रिंट कराते हैं उसके लिए। ये जो मशीन है ये एनवलप बनाती है। ये देखिए, ये जो है एनवलप डिफरेंट साइज़ में, जो पेपर कहीं कोरियर वगैरह करने के लिए फिर रखने के लिए जो एनवलप होती है उसकी मशीन है ये। इस
इसमें प्रोडक्शन स्पीड इसकी भी काफ़ी अच्छी थी, डिफरेंट साइज़ के एनवलप बन जाते हैं इसमें। ये मशीन बेसिकली लेमिनेशन करती है, डिजिटल प्रिंट है ये, जो डिजिटल प्रिंट्स होते हैं उस पर लेमिनेशन की, प्रिंट उतरे ना, फेड ना पड़े, स्क्रैचेस ना लगे, तो वो कर रही थी ये मशीन। इसकी प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ है, स्लो में चल रही है ये, और ये जो मशीन है ये आप देख सकते हैं, ये बेसिकली कप्स वगैरह जो है हम बड़े साइज़ के वो बनाती है, जो फूड पैकेजिंग के लिए है बेसिकली वो। और ये एक यूवी मशीन लगी हुई थी जो कि हमारे लाइन से रिलेटेड है, ये यूवी मशीन भी हम सेल करते हैं, क्योंकि एक कंपनी ने लगा रखा था वो भी हमने कवर कर लिया। ये यूवी फ्लैट पैड प्रिंटर है। तो ये कुछ यूज़फुल मशीन थी जिसके बारे में आप प्लान कर सकते हैं, हमने आपको दिखाना ज़रूरी समझा। बाकी मशीन जो है वो रनिंग में नहीं, इसलिए हम कवर नहीं कर पाए उसको। बाकी आपके सिटी के भी आसपास अगर एग्जीबिशंस लगे तो आप उसमें ज़रूर आएँ, एग्जीबिशन में आने से जो है नॉलेज जो है आपकी इन्हेंस होती है। और इस वीडियो के लिए इतना ही, ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें और आप इंडस्ट्री में जो भी मशीन से उससे अपडेट होते रहें। थैंक यू।